डिंडोरी जिला के शहपुरा सहित ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों बिजली की अघोषित कटौती को देखते हुए आज दिन गुरुवार को शहपुरा बिजली ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमित कछवाहा शहपुरा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार अघोषित विद्युत कटौती अनाप शनाप बिजली बिल को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित कछवाहा के नेतृत्व में विधायक भूपेंद्र मरावी की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी के मार्गदर्शन में शहपुरा में कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने विद्युत ऑफिस पहुंचकर वहां पर सरकार के खिलाफ एवं विद्युत समस्याओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की, जिसके पश्चात सभी कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर तहसीलदार अमृतलाल दुर्वे को महामहिम राज्यपाल के नाम से समस्याओं से निदान के लिए ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष अमित कछवाहा ने बताया कि इस कोरोना संक्रमण काल में गरीब मध्यम वर्ग सभी लोगों की स्थिति खराब हो गई है, जिसके बाद भी जन विरोधी सरकार इस वर्ग की चिंता न करते हुए समस्याओं का निदान नहीं कर रही है। मेंटेनेंस के नाम से बहुत अघोषित कटौती हो रही है। वह तानाशाही रवैया के कारण गरीबों को हजारों रुपए के बिल दिए जा रहे हैं और बिल जमा न होने की स्थिति में उनके लाइट कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय निवेदन किए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश करें और इन समस्याओं से निजात दिलाएं। यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब किसान सब परेशान है और सरकार का जो ये रवैया है गरीब विरोधी है। बिजली कटौती से लोग वैसे भी परेशान हैं। इन सब में रोक लगाने के लिए आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी शहपुरा को ज्ञापन सौंपे हैं और हमारी मांग है कि इनमें तत्काल रोक लगाई जाए। बेतहाशा जो बिल आ रहे हैं, रोज से कटौती हो रही है, उनको रोका जाए। ज्ञापन सौंपे हैं आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहपुरा के द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार और जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे विधायक भूपेंद्र मरावी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो शहपुरा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, भेजे जा रहे हैं, गलत रीडिंग की जा रही है, गरीब परिवारों में हजारों रुपए के बिल भेजे जाते हैं और बिजली बिल यदि दो दिन तीन दिन लेट हो गया बिजली बिल जमा होने में तो सब कनेक्शन काट दिया जाता है। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए शहपुरा से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।